पीथमपुर क्षेत्र के घाटा बिल्लो चौकी अंतर्गत चंबल नदी के पास बने मुक्ति धाम में कचरा संग्रहण केंद्र में दंपत्ति सहित एक बच्चे की लाश मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई है। यह सभी लोग क्षेत्र में कचरा बीनने का कार्य करते थे। पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश के बाद संभवतः कचरा संग्रहण केंद्र पर ये लोग रुक गए होंगे। संभवतः क्षेत्र में हुई तेज बारिश से बीच पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई, क्योंकि तेज बारिश के बाद चंबल नदी के पानी ने विकराल रूप ले लिया था। नदी के आसपास के घरों को प्रशासन की टीम ने खाली करवा लिया था, किंतु इस कचरा केंद्र पर किसी की नजर नहीं गई। गांव के एक व्यक्ति ने सबसे पहले घाटा बिल्लो चौकी पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। मृतकों की पहचान पति पत्नी, बेटे की पहचान रमेश पिता भीला उम्र 40 वर्ष, मृतक की पत्नी मोबाई उम्र 40 वर्ष और नाबालिग 14 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक के पिता भीला ने बताया कि रमेश पिछले 3 वर्ष से परिवार से अलग रहता था और परिवार से मेल जोल नहीं रखता था। घाटा बिल्लोद में 3-4 महीने से कचरा बीनने का काम कर जीवन यापन करता था। कल रात पुलिस ने घटना की सूचना दी। हमने आज सुबह शव देखकर मृतकों की पहचान की है। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। हमको तो पुलिस वाले ने कल शाम को 10 बजे फोन लगाया, जब मालूम पड़ा, जब हम सुबह आए तो क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या बताया? पुलिस वालों ने हमको ये मिली लाश, उन्होंने बॉडी यहीं पड़ी है अभी। कौन कौन है आपके? मेरा एक तो लड़का, एक बहू, एक पोता है। कहाँ के निवासी आप? बोरुत के सर। आपका नाम बताओ? भिलिया। क्या घटना हुई है? ये मेरे मामा के लड़के हैं और मेरी भाभी है और वो भतीजा है मेरा। अब शाम को हमारे पास पुलिस का फोन आया था, तो पुलिस वाले ने बताया, बोले ऐसी ऐसी बात है, तो हम शनाख्त करने के लिए यहाँ आ गए हॉस्पिटल में। क्या बताया पुलिस वालों? पुलिस घटना ये हुई थी, पानी 3 इंच ग्राउंड के अंदर घुस गया था, उससे घटना हो गई। आपका नाम? मेरा नाम बलवीर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।